कनाडा इमिग्रेशन ने अपना टारगेट बनाया था कि उन्होंने 3 सालों में रखा था कि 12 लाख इमिग्रेंट्स को हम ऑलरेडी पीआर देंगे। क्या वो टारगेट को अचीव कर पाए? क्या आने वाले टाइम में इमिग्रेंट्स को इसी तरह ही पीआर मिलती रहेगी या उनको पॉलिसीज में चेंज करना पड़ेगा या सिमिलर पॉलिसीज के साथ ही कनाडा इमिग्रेशन बढ़ेगी? इस वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस का आपको जवाब दूंगा। हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। आज हम बात करेंगे आने वाले टाइम में कनाडा की इमिग्रेशन पॉलिसीज क्या रहने वाली हैं। जैसा कि कनाडा ने ऑलरेडी टारगेट रखा था कि 2021 में वो 4,01,000 इमिग्रेंट्स को पीआर देंगे, 2022 में वो 4,11,000 को पीआर देंगे, 2023 को 4,21,000 को पीआर देंगे। तो ये 3 साल का टारगेट रखा था जिसमें हम कह सकते हैं कि वो 4 लाख एवरी ईयर से ज़्यादा इमिग्रेंट्स को पीआर देंगे। तो क्या कनाडा इस साल पे अपना टारगेट अचीव कर सका है? यस, आईआरसीसी ने जो 2021 का टारगेट था उसको ऑलरेडी अचीव कर लिया है, यानी कि उन्होंने 4 लाख से ज़्यादा इमिग्रेंट को पीआर इस साल दी है। लेकिन इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात वो ये थी कि 70% से भी ज़्यादा इमिग्रेंट्स को उन्होंने जो कनाडा में ऑलरेडी थे, चाहे वो वर्क वीज़ा पे थे, टेम्परेरी जिसको हम स्टेटस कहते हैं, या वो स्टडी वीज़ा पे थे, उन सबको वीज़ा दिया है, उन सबको पीआर दी है। क्योंकि आपको पीछे देखा होगा कि फेब में जब उन्होंने 27,000 इमिग्रेंट्स को वहाँ एक ही दिन में पीआर दी थी, वो फेब में उनके सिर्फ सीआरएस स्कोर 75 था। तो मुझे भी उस पर विश्वास नहीं हुआ था, तो मुझे लगा था कि कहीं गलती तो नहीं, मुझे लग रही देखने में कि 475 होगा, तो खाली 75 पे कैसे हो सकता है कि कनाडा ने पीआर। लेकिन ये हुआ है, इट हैपन्ड कि 27,000 इमिग्रेंट को एक ही दिन में उन्होंने पीआर दी थी। इसी तरह उन्होंने 90,000 स्टूडेंट्स को भी बिना ही एक्सपीरियंस के, जैसा कि आपको पता है कि इंटेरियो में अगर जाते हो या ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हो तो आपको स्टडी के बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेना होता है, उसके बाद आप अपनी पीआर के लिए फाइल कर सकते हैं। लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस ही उन्होंने 90,000 स्टूडेंट्स को स्ट्रेट वे पीआर के लिए एलिजिबल करा था। तो ये था डाटा कि 70% को उन्होंने ऑलरेडी इमिग्रेंट्स को पीआर दी थी, जबकि ये रेशो नॉर्मली रिवर्स रहती है। हम देखते हैं कि कनाडा से ऑलमोस्ट 30-35% लोगों को ही वो पीआर देते हैं, बाकी वो आउटसाइड से बुलाते हैं, आउटसाइड कनाडा। लेकिन इस बार जो ऑलरेडी ये रेशो उल्टी हो चुकी है, तो हमें ये उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भी ये इसी रेशो को कायम रखेंगे, क्योंकि जो उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं शॉन फ्रेजर, उन्होंने ऑलरेडी ये बोला है कि मैं इसी पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करूँगा। तो इससे उम्मीद है कि ऑलरेडी आगे भी आने वाले टाइम में वो इसको टारगेट्स को अचीव करते रहेंगे। तो इसलिए बहुत बड़ी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये गुड न्यूज़ है कि स्टूडेंट्स आने वाले टाइम में भी उनको इजीली पीआर मिलेगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में बहुत क्वेश्चन होता है, स्पेशली जो इंटेरियो और ब्रिटिश कोलंबिया जाते हैं, और स्पेशली जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, कि क्या उनको पीआर मिल पाएगी वहाँ पर या उनको मूव ऑन करना पड़ेगा, जैसा कि अटलांटिक रीजन में या सस्केचवान में, अल्बर्टा में, मैनिटोबा में। तो स्टूडेंट्स बाद में मूव ऑन करते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर पीआर नहीं मिल पाती इंटेरियो और ब्रिटिश कोलंबिया में। तो इसलिए ये स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है, चाहे आप ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहे हैं या इंटेरियो में जा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आने वाले टाइम में कोविड की सिचुएशन ठीक रहती है तो उम्मीद है कि वो बाहर से भी जो ऑलरेडी पीआर के लिए फाइल किया हुआ है, जिनका सीआरएस स्कोर बनता है आउट ऑफ कनाडा, तो उनको भी वो पीआर देंगे और उनके भी ड्रॉज निकाले जाएंगे। क्योंकि काफ़ी टाइम से इन्होंने ऑलरेडी, जो दिसंबर के बाद ही शायद 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन पीआर का ड्रॉज नहीं निकल रहे, तो वो बड़े डिसअपॉइंट है। तो उनके लिए भी उम्मीद है कि अगर कोविड की सिचुएशन ठीक रहती है तो उनके लिए भी वो डेफिनेटली कनाडा इमिग्रेशन अपने डोर्स खोलेगा। तो इसी तरह की अगर आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो आपको नॉलेज दे और अपडेटेड रखे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन घर बैठे ही पहुंचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल्स ओवरसीज। विजिट अस और कॉल अस फॉर वीजा सर्विसेज। फॉलो अस ऑन आवर सोशल हैंडल्स फॉर लेटेस्ट ऑफर्स एंड अपडेट्स।